जमा है एंड ऑल न्यू नेक्सा में, जहां हम बात करने वाले हैं ये प्यारी सी गाड़ी XL6 के बारे में, जो कि पूरा डिटेल वॉक अराउंड है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और ऑफ कोर्स नेक्सा है तो कुछ फीचर्स ऐड ऑन करे गए हैं गाड़ी में, मेक श्योर कि आप उस वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके, मिलते हैं वीडियो में। तो भाई ये है ऑल न्यू XL6, जो कि आज हम आ गए हैं मेरठ नेक्सा में, जहां हम बात करने वाले हैं इसी XL6 के बारे में, जो कि अगर मैं आपको इंजन के बारे में बताऊं तो K15B ये पुरानी वाली का है, अब K15C स्मार्ट हाइब्रिड आ रहा है। बाकी सब सेम है, लेंथ भी सेम है, विड्थ भी सेम है। अगर कोई नहीं दिख रहा तो मैं दिखा देता हूँ, 4445 इसकी लेंथ है, 1775 इसकी विड्थ, 1700 इसकी हाइट, और व्हील बेस है इसका 2740, जो कि पीछे वाली सीट्स को कंफर्टेबल बना देता है। तो भाई ये है ऑल न्यू मारुति XL6 का कुछ फ्रंट लुक, जो कि अगर आप एक अच्छी 7 सीटर देखने जा रहे हैं तो आपको एक बार ये कंसिडर कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये देखिए इसका बोल्ड और डायनेमिक डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है यार ये डिज़ाइन, जहाँ आपको देखने को मिल जाते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, उसके बाद ये DRLs और ये हैलोजन में आपके टर्न इंडिकेटर्स, इसके बाद आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं फॉग लैंप्स, इसकी ग्रिल का डिज़ाइन पूरा चेंज करा गया है, सुजुकी का लोगो ये देखो इसमें मिलता है आपको, 360 डिग्री कैमरा, जो कि बहुत ज़्यादा एक अच्छी फील देने वाला है आपको इस गाड़ी के अंदर। अब यहाँ पर इसके जो मिरर है इसमें 2 वॉशर मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि इसका मिरर थोड़ा बड़ा है। बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की, तो इसके जो टायर्स हैं, इसके टायर आपको मिल जाएगा 195/60R16 16 इंच के इसमें टायर देखने को मिल जाते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। और इसका जो कलर है ये है नेक्सा ब्लू कलर। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इसके जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो हैं ऑटो फोल्ड, इसमें रूफ रेल्स आपको देखने को मिल जाती हैं, और क्रोम के साथ आपको इसके डोर हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं, और रिक्वेस्ट सेंसर भी है इसमें। देखिए लॉक हो गए, ये अनलॉक हो गई गाड़ी, और इसकी जो की आती है नॉर्मल सी की है, बेसिक जो अभी तक मारुति में आ रही थी, कुछ ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है। ये स्पॉइलर आपको इसमें देखने को मिलता है, शार्क फिन एंटीना देखने को मिलता है, ये वाली टेल लैम्प देखने को मिलती है, ये वाला जो डिज़ाइन है भाई ये ना ब्लैक है, मतलब गाड़ी ब्लू है और ये चीज़ ब्लैक है, और ये भाई हेड लैम्प देखो, ये मतलब टेल लैम्प देखो क्या प्यारा लग रहा है, हैमर टेल लैम्प है। उसके बाद ये चीज़ें अंदर की तरफ है, कुछ डिफरेंट है इस बार मारुति XL6, जो कि 16-17 लाख रुपए अगर आप दे रहे हो ऑन रोड तो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है। ऑफ कोर्स इसमें आपको बूट स्पेस, सॉरी एक बार अनलॉक करें तो ये डबल अनलॉक करने पर इसकी जो बूट है वो खुलती है, ये देखिए आप फिलहाल ये देखते हैं यार इतना प्यारा लग रहा था। इसमें आपको हैलोजन नॉर्मल मिलता है, टर्न इंडिकेटर मिलता है, और हैलोजन भी आपको देखने को इसमें टेल लैम्प मिलती है। ये इसका कुछ बूट स्पेस है, बूट स्पेस की स्पेसिफिकेशंस दे रखी है मैंने आगे वीडियो में, जो कि काफ़ी प्यारी है XL6 की ब्रांडिंग, और उसके बाद यहाँ पर स्मार्ट हाइब्रिड की ब्रांडिंग, ये आपको अच्छी देखने को मिलेगी रात के टाइम में, एक अच्छा प्रीमियम फील देगा। ये क्रोम से जो कनेक्ट कर रखा है बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पीछे आपको डिफॉगर देखने को मिलता है, और साथ ही साथ में आपको वॉशर, ये वाइपर देखने को मिलता है और ये वॉशर देखने को मिलता है। और इसमें एक चीज़ और, आप इसका कैमरा देखिए, कैमरा भी प्लेस्ड है, तो गाड़ी तो पूरी 360 में आती है। ये वाला जो वेरिएंट है अल्फा प्लस है, K15 है, देखिए मैंने आपको कहा था K15 है, K15C है, और ये जो है फ्यूल लिड ये अंदर से ही खुलेगी। अब इसमें एक चीज़ और, जो इसमें यहाँ पर क्रोम का काम करा गया है, इसकी साइड प्रोफाइल को ऑटोमेटिकली एनहांस कर देता है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगती है, और इसके तीनों ग्लासेस बहुत बड़े हैं, मतलब नॉर्मल गाड़ियों में आपको ये ऐसे नहीं मिलता, छोटे मिलते हैं, पर इस गाड़ी में कुछ डिफरेंट करा गया है मारुति XL6 में मारुति के द्वारा। अब इसकी जो एलॉयज़ हैं, एक बार ध्यान से इस एलॉय को देखिए, कितना ज़्यादा प्रीमियम और प्यारा लग रहा है, मतलब आप टिपिकली मारुति से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते कि मारुति भी कभी ऐसा डिज़ाइन देने वाली है। अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ, जो कि ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा प्रीमियम रहने वाला है, तो चलिए अंदर चलते हैं। तो हम आ चुके हैं मारुति XL6 के इंटीरियर में, जहां हमें देखने वाला है कुछ ऐसा अच्छा सा प्यारा सा इंटरफेस से मतलब कि लुक्स इस गाड़ी के, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारी रहने वाली है। मैं आपको डोर से शुरू करता हूँ, यहाँ देखिए पियानो ब्लैक, ये वाली जो
फिनिश है, ये थोड़ा वुडन लगता है जो कि इसे एक प्रीमियम फील, प्रीमियम टच देता है। उसके बाद नॉर्मल क्रोम वाला ही इसमें हैंडल भी देखने को मिलता है। इसमें आपको ऑटो फोल्डिंग मिरर्स देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग देखिए कि इस वीडियो की शूट कर रहे हैं, इस गाड़ी की शूट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा ऐड ऑन होने को दिख जाता है, मतलब 360 कैमरा इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाता है। इसको मैंने दबाया, अब यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ पर इसको 360 कैमरा कौन मेरी गाड़ी के इधर उधर घूम रहा है मुझे सारा पता लग जाएगा। इसमें 360 डिग्री जो मैंने अभी आपको दिखाया था एक्सटीरियर में, वो देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, और ABS भी मिल जाता है इसमें आपको। ओके, अब ये स्टेयरिंग व्हील है जहाँ पर इसको आप टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक नहीं दिया है, नहीं दोनों हैं, देखिए टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों तरीके से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें एक ये छोटी सी एम्बियंट लाइटिंग जो ग्रीन कलर की इसमें दे रखी है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। और इसमें जो ये इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है वो नॉर्मल वो रेड वाली बलेनों की तरह है, जो कि कुछ देखने में सिंपल ही लगता है, मतलब कि अभी देखिए स्मार्ट हाइब्रिड के साथ आ रही है। और इसको इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि इसमें मोशन फ्रंट और टॉर्क कितना जनरेट हो रहा है, पावर कितना जनरेट हो रहा है, किलोमीटर पर आर की एवरेज स्पीड क्या आ रही है, एक्सेलरेशन, ब्रेक, इंजन काम कर रहा है ढंग से नहीं कर रहा, मोटर का ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही है, और बैटरी ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही, कितनी बैटरी बची है गाड़ी में, फ्यूल इकोनॉमी और फ्यूल कितना बचा है, कितने किलोमीटर पर आर कितनी एवरेज स्पीड हमारी आ रही है, और उसके बाद कितनी देर से हम लोग ड्राइव कर रहे हैं कंटिन्यूसली, सारी चीज़ें। और ऊपर इसमें आपको टेम्परेचर देखने को भी मिल जाता है। तो ये था कुछ XL6 का इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर। अब हम आते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम पर, जो कि रहने वाला है, देखो ये वही इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो कि अभी आपको मारुति सुजुकी बलेनो में देखने को मिलता है। बट द डिफरेंस इज जस्ट कि उसकी जो प्लेसमेंट है, इसमें थोड़ा फ़र्क है, जो कि मुझे उसकी बलेनो की जो प्लेसमेंट है ज़्यादा पसंद आई थी। मैं आपको दिखाऊंगा, बलेनो भी जल्दी शूट करूंगा मैं 2-3 दिन में, मैंने शोरूम में बात करी है कि कब आएगी, 2-3 दिन का इन्होंने टाइम मांगा है मेरे से। बाकी अब मैं अगली वीडियो इग्निस पर शूट करने वाला हूँ, मेरी पर्सनल फेवरेट कार है, कार में से एक है। इसमें आपको 6 स्पीकर का सिस्टम मिल जाता है और 2 ट्विटर्स का सिस्टम मिल जाता है। और इसमें यार देखो एज सच कोई इतना बड़ा चेंज नहीं है, बलेनो वाला ही सब कुछ सेम है। और इसमें चलो एक बार चला के देखते हैं। अरे यार ये तो भाई मिल ही नहीं रहा, क्या चक्कर है ये? ये एप्पल ऑटो प्ले वाला है और एप्पल कार प्ले और भी सारी चीज़ें इसमें चल जाएंगी। इसमें भी आप देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी का जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है वही इंफोटेनमेंट सिस्टम में है, मतलब सारी चीज़ें आपको इसमें भी देखने को मिल जाएगी, क्या स्पीड है, क्या इकोनॉमी है, क्या TPMS। ये TPMS ये वाला जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है ये भी आपको नई वाली XL6 में देखने को मिल जाता है। तो ये जो कुछ फीचर्स हैं जो एड ऑन हुए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, मेरे हिसाब से XL6 में एक अच्छा चेंज हुआ है मारुति सुजुकी की तरफ से। और इसमें आपको मैनुअली एडजस्ट वाला ये वाला मिरर देखने को मिलता है। अब हम बात करने वाले हैं इसकी, तो यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है और यहाँ पर भी को ड्राइवर सीट पर भी आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। क्या ये एडजस्टेबल है? मुझे नहीं लगता कि ये एडजस्टेबल है। नहीं भाई ये एडजस्टेबल नहीं है, तो सॉरी ये एडजस्टेबल नहीं है। यहाँ पर आपको ये हज़ार्ड लैंप्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको AC का कंट्रोल मिल जाता है, जो कि यहाँ से आप फ़ैन फुल और मतलब फ़ैन कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, AC को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऑटोमेटिक पर डाल सकते हैं, ज़्यादा गर्मी होगी तो ये 18 पे चलेगा सबसे लो पे। अरे ऑटो को ऑफ करो भाई, नहीं नहीं भाई नहीं करना हमें ऑटो। ओके, उसके बाद ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ से, और ये भी हम चूज़ कर सकते हैं कि मतलब ये आपको पता है क्या होता है। उसके बाद हम फ्रंट डिफॉगर ऑन कर सकते हैं, रियर डिफॉगर ऑन कर सकते हैं, इसमें हम मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ और इसके नीचे यहाँ पर आते हैं ये पावर सॉकेट्स, जो कि है 12 वोल्ट का, यहाँ पे गोल वाले चार्जर लगते हैं, और उसके बाद ये आता है।
अब ये क्या चीज है भाई, ये बताता हूँ। ये ना ये वाला फीचर, ये हमारी वेंटिलेटेड सीट्स के लिए, आपको आवाज आ रही होगी, ये वेंटिलेटेड सीट्स आवाज कर रही हैं। तो वेंटिलेटेड सीट्स भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाती है, जो कि एक बहुत अच्छा फीचर मेरे हिसाब से है। लेकिन भाई इसमें आवाज बहुत ज्यादा है, आप ये मानिए कि इसमें बहुत ज्यादा आवाज है। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करी थी साउंड, बट हाँ कूलिंग तो है। देखो कूलिंग में थोड़ा बहुत फर्क है, कूलिंग है, मतलब आप इजीली ड्राइव कर सकते हो लॉन्ग रूट पर। और मुझे थोड़ा ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है अपनी टी शर्ट और जीन्स में। पीछे भी यार वेंटिलेटेड सीट्स है, नहीं सिर्फ आगे आपको वेंटिलेटेड सीट्स में देखने को मिली हैं। और भी अभी आपको एक और फीचर दिखाता हूँ, जो कि है ये, यहाँ पर भी कूलिंग आ रही है, यहाँ पर भी हवा आ रही है। तो ये मेज, ये एक कप होल्डर है जहाँ पर आप इजीली अपनी ग्लासेस को, अपनी बॉटल्स को प्लेस कर सकते हैं लॉन्ग रूट्स पर। अगर जा रहे हैं गर्मियों के दिनों में तो आपको इजीली अपने मतलब पानी को या कोई भी ड्रिंक को, कोल्ड ड्रिंक को यहाँ पे ठंडा कर सकते हैं बहुत इजीली। और मतलब यार ठीक है, लॉन्ग रूट पे आप अच्छी तरीके से इंजॉय कर सकते हैं आप इस गाड़ी में, जो कि मेरे हिसाब से एक प्रीमियम चीज़ है इस प्राइस पॉइंट पर, वो भी मारुति सुजुकी के अंदर, जो कि फीचर्स अभी अर्टिगा के अंदर भी नहीं आते। अब बात करते हैं इसके डैशबोर्ड के डिज़ाइन की। तो एसी का जो डिज़ाइन है मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। ये देखिए वन वे में मतलब अच्छा एसी है। और ये वाली यार, ये जो फिनिश है ना, ये जो वुडन फिनिश है, कसम से वुडन नहीं है, है तो प्लास्टिक ही, पर जो उसके ऊपर कर रखा है, देखो ये इसमें वॉइस कमांड भी है। हे सुजुकी, सॉरी आई स्टिल डिडंट गेट दैट, प्लीज से योर कमांड अगेन, टर्न ऑन एसी, जस्ट से द फ्रीक्वेंसी नंबर। देखिए ये साला सुनता नहीं है एक बारी में। उसके बाद हमें यहाँ पर इसका डैशबोर्ड में ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है। गियर लीवर इसमें, ये अल्फा प्लस वेरिएंट है तो इसमें 6 मैनुअल था, लेकिन ये 5 मैनुअल वाला ऑप्शन है। ओके, इसमें आपको हैंड ब्रेक नॉर्मल वाली देखने को मिलती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक नहीं देखने को मिलती। उसके बाद इसमें ये छोटी सी आर्मरेस्ट, जिसके अंदर कुछ स्पेस है, काफ़ी सही लग रही है। तो बस यार आगे का देखो आप डैशबोर्ड का डिज़ाइन, ये कुछ ऐसा डैशबोर्ड है, ये फ्लैट डैशबोर्ड है, जो कि अगर आप कहीं लॉन्ग रूट पर खाना भी खा रहे हैं ना, तो गाड़ी में इजीली रख के खा सकते हैं, जो कि आप इनोवा वगैरह में नहीं रख के खा सकते, क्योंकि उसका डिज़ाइन कुछ ऐसे कर्व में है। तो फ्लैट है तो इसलिए आप इजीली इसमें एक अच्छा सफ़र तय कर सकते हैं मेरे हिसाब से। गाड़ी को मैंने कर दिया है बंद, अब हम चलते हैं पीछे की तरफ। चाबी तो चलो कोई बात नहीं, पीछे की तरफ चलते हैं, पीछे भी दिखाता हूँ आपको क्या क्या नए फीचर्स इसमें ऐड हुए हैं। तो ये पीछे का गेट खोला, अब पीछे भी यार आपको देखो इसमें नॉर्मली है, कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं, ठीक है तो नॉर्मल है। अब इसमें आप शहंशाह बन के जा सकते हैं, इसमें आपको पीछे एसी मिलता है, उसके बाद ये कैप्टन सीट्स मिलती हैं। कैप्टन सीट्स का मतलब क्या होता है, देखो मैं कैसे वीआईपी की तरह बैठूंगा, आराम से इस सीट को रिक्लाइन करके बैठा हुआ हूँ इस टाइम पे, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा एक प्रीमियम फील दे रहा है। और मेरा लेग रूम, मेरी हाइट 5'10" है, तो आगे वाली सीट भी मेरे हिसाब से एडजस्टेबल थी, एडजस्ट हो रखी थी। और अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी अच्छा नी रूम मेरे को मिल रहा है, पर अगर मैं रिक्लाइन करके बैठ रहा हूँ ऐसे, और यहाँ पे ऐसे आराम से कम्फर्ट हो गया, तो मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बिल्कुल चिपक रहा है, बाकी तो गाड़ी ठीक ही है, मतलब ठीक मान लीजिए। उसके बाद यहाँ पर भी आपको लाइट देखने को मिल जाती है, आगे भी आपको लाइट देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर सनग्लास होल्डर भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आप इसको सेट कर सकते हैं कि कब आपकी ये वाली लाइट्स ऑन होंगी, अभी गाड़ी ऑफ है तो इसलिए ऑन नहीं हो रही। बाकी अब ये थर्ड रो है, ये देखिए थर्ड रो में आपको नॉर्मल, मेरे हिसाब से ना थर्ड रो में मैंने जैसे रिक्लाइन कर रखी है तो उस हिसाब से तो इस गाड़ी में से 4 बंदे बैठ सकते हैं। और इसमें हाँ ठीक है, मतलब यार देखो कम्फर्ट वाइज तो यह गाड़ी ठीक लगी मेरे को, बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं ना कि ज़्यादा कंफर्टेबल तो नहीं कह सकते, पर हाँ ठीक है, अच्छी है। आपको हैंडल्स मिल रहे हैं, और ये देखिए ये फोल्ड वाले हैं, पर पीछे जो आपको दे रखे हैं वो फोल्ड नहीं होनेंगे। और इसमें आप एसी को खुद अपने यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरी हाइट 5'10" है, तो अगर मैं रिक्लाइन करके बैठूँगा तो यार काफ़ी ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, पर अगर मैं इसका रिक्लाइनिंग एंगल ठीक कर दो नॉर्मल, जैसे हम लोग नॉर्मल बैठते हैं, तो देखो मेरे को थोड़ा नी रूम भी मिल गया, और अब मेरा हेड रूम भी इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा है।
पर 14 लाख रुपए के हिसाब से, 15 लाख रुपए के हिसाब से ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी नहीं है आपके लिए। और इसमें आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, इसकी बूट स्पेस 209 लीटर अगर तीनों सीट्स अप हैं तो, 560 लीटर अगर फर्स्ट रो या थर्ड रो फोल्ड हुई तो, ये 560 लीटर बन गई। और अब ये जो आप मतलब एक फोर सीटर गाड़ी बन गई है, और आप इसको इजीली यहाँ से ऊपर भी कर सकते हैं। देखिए ये रिक्लाइनिंग नहीं है, ये बस इसमें आप जैसे तैसे करके बैठ जाएंगे। ये बंद करी मैंने, इसके बाद मैंने इसको इसके अंदर आया, और अंदर आने के बाद इसको ऊपर करा, और अगर मैं पीछे जाके बैठता हूँ तो मेरे हिसाब से तो यार देखो मैं कंफर्टेबली नहीं बैठ पाऊँगा, ऑब्वियस बात है। हेडरूम देखो, ये लेग रूम देखो भाई, मैं बिल्कुल चिपक के बैठा हुआ इस टाइम गाड़ी में, और मेरे हिसाब से तो ये नॉट मतलब ठीक है यार, कंफर्टेबल नहीं बैठ सकता कोई 5 फुट पर। हाँ छोटा बच्चा जैसे 2-4 साल 5 साल 6 साल का बच्चा है वो इजीली यहाँ बैठ सकता है। यहाँ को बॉटल होल्डर मिला है, सीट बेल्ट भी देखने को मिल जाएगा। ये वाला जो इसका पैनल है बहुत बड़ा है, लिटरली बहुत बड़ा पैनल है, मज़ा आ गया इस पैनल को देख के तो बस। और देखिए सेकेंड रो में ना आपको यहाँ पर चार्जिंग का सॉकेट भी देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ध्यान तो रखा गया है। ये लगता है इसको कोई फ्रंट डैशबोर्ड पीछे से, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है। सुजुकी का फ्लैट बॉटम वाला ही इसमें स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिल जाता है। तो गाइस ये थी XL6 जो कि मैंने आपको दिखाई आज नेक्सा के शोरूम में। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मेरे को कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूं कि इस वाले जो पर्टिकुलर वेरिएंट अल्फा प्लस का जो प्राइस था वो है मेरिट में ऑन रोड 15 लाख रुपए, जो कि डायरेक्ट कॉम्पीट करता है किया कारेंस से। बट किया कारेंस का जो टॉप एंड मॉडल आता है वो तकरीबन 18-19 लाख रुपए का आता है ऑन रोड। तो अगर आप खींचतान के अपने बजट को 15 से 18 कर सकते हैं तो किया कारेंस आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगी, क्योंकि फीचर्स वाइज एंड इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग भी किया ठीक है। पर अगर आप नहीं बढ़ा सकते अपना बजट तो यू कैन गो विद XL6, बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स एड ऑन हुए हैं, वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह आपने पूरी वीडियो में देखी होगी। कमेंट में मेरे को बताना कि वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।